faccia che ho fatto nello specchio di quest'altro te. Perciò, caro. राजकीय विधि महाविद्यालय में शनिवार को छात्र संघ के महासचिव धर्मेंद्र बाजिया द्वारा महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर अपने साथियों के साथ अर्धनग्न होकर उग्र प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्राचार्य को मान्यता चारदीवारी की समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ महासचिव धर्मेंद्र और मनोज मेघवाल ने बताया कि महाविद्यालय की मुख्य समस्या स्थायी मान्यता चारदीवारी की समस्या, इसके लिए छात्र संघ ने निवेदन किया है कि इस समस्या का समाधान इस सरकार में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा ही किया जा सकता है। विधि महाविद्यालय में छात्रों ने मिलकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया है मान्यता को लेकर। अस्थायी मान्यता महाविद्यालय की सबसे बड़ी समस्या, हर वर्ष छात्रों को इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। हर 2005 से जब महाविद्यालय जीसी कॉलेज से यहाँ ट्रांसफर हुआ, तब से लेकर आज दिन तक स्थायी मान्यता के लिए छात्रों को अनेक प्रदर्शन करने पड़ते हैं, अनेक ज्ञापन देने पड़ते हैं। इसके बावजूद भी आज तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। तो आज हमने प्राचार्य को और उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन लिख के प्रदर्शन किया है, अर्धनग्न प्रदर्शन किया है कि महाविद्यालय को जल्द से जल्द मान्यता दें, जिससे अनेक छात्र जो प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं वो जल्द से जल्द अपनी प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करवा कर प्रवेश ले महाविद्यालय। अर्धनग्न आंदोलन किया हमने राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर के अंतर्गत। इसमें कुल 2005 से लेकर आज तक कॉलेज की स्थायी मान्यता नहीं मिल रही है। अस्थायी मान्यता की वजह से हमें हर साल 5-6 महीने लेट हो एग्जाम होते हैं, 5-6 महीने स्टार्टिंग में लेट कर देते हैं। ऐसे करके हमारा मतलब कॉलेज का कोई ऐसा नहीं है कि कॉलेज लग रही हो, ये वो सब कुछ अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि हमें स्थायी मान्यता दिलाकर जुलाई से एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट करें। इससे हमारे एडमिशन प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई है। और दूसरी बात, यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था, एक पास में गड्ढे की व्यवस्था, चार दीवारी, इनकी भी ध्यान में रखते हुए सरकार से अनुरोध। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।